स्टूडेंट्स और आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल आरटी एकेडमी पे। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक चैप्टर को लेकर के टॉपिक अपना। और वो टॉपिक है आज का हमारा काउंटर करंट सिस्टम एंड मिक्चुरेशन। बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, लेकिन मैं यहाँ पर उसको आसान करके आपको समझाऊंगा। तो हमारे वीडियोस और लेक्चर्स के लिए लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं, पूरे पूरे चैप्टर्स के लेक्चर्स हैं। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेक्चर आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। तो याद रखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और समय को बिना गवाते हुए हम अपने चैप्टर एक्सपिरेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पे थे, जहां पर हमने एक्सक्रेशन नाम की चीज जानी थी, जहां पर हमने अपने बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया था। आज उस चैप्टर का टॉपिक चलेगा काउंटर करंट सिस्टम। ये काउंटर करंट सिस्टम या मैकेनिज्म है क्या? जैसे ये होता है, आपने देखा होगा कि जब हमारे नेफ्रॉन से कहीं पर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, कहीं पर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, तो ये जो एब्जॉर्प्शंस हैं, इन एब्जॉर्प्शन को अगर सोचिए, मान लीजिए नेफ्रॉन है और इसके बीच ये इंटरस्टीशियल टिश्यू है, इंटरस्टीशियल टिश्यू। अब ये इंटरस्टीशियल टिश्यू क्या होते हैं? तो इंटरस्टीशियल टिश्यू का मतलब एक नेफ्रॉन तो ये हो गया, दूसरा नेफ्रॉन हमारा इस जगह पे। अब इसके बीच में जो हमारे टिश्यूज पाए जा रहे हैं वो इंटरस्टीशियल टिश्यू है। सोचिए लगातार अगर ये वाटर एब्जॉर्ब करके देता रहेगा तो ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगर कोई चीज एब्जॉर्ब हो रही, अगर जगह पे वाटर एब्जॉर्ब हो रही, तो दैट्स मीन इस जगह पर वाटर कंसंट्रेशन लेस है, तभी वाटर यहां जा रहा है। कहीं पर मिनरल एब्जॉर्ब हो रहा है तो वहां मिनरल कंसंट्रेशन लेस है, यानी अमाउंट का थोड़ा बहुत ऑस्मोटिक बैलेंस बनना जरूरी है। अगर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन नेफ्रॉन का यहां का बिगड़ गया तो चीजें ना एब्जॉर्ब होंगी ना सेक्रेशन होगा। इसी को हमने बोला काउंटर करंट सिस्टम। काउंटर करंट का मतलब क्या हुआ? काउंटर मतलब दो चीजें भिड़ रही हैं। अगर आप देखें तो इस नेफ्रॉन में देखिए ध्यान से, ये हमारा ये लूप ऑफ हेनले है, ये आपका क्या होता है डिसेंडिंग लिंप और ये क्या असेंडिंग लिंप है, यानी यहां पर यूरिन जा रहा है, बन रहा है ऐसे, इस साइड से इस साइड चल रहा है ना, ये हो रहा है। अब देखिए वासा रेक्टा लगा हुआ है, वासा रेक्टा में जो ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है वो किस तरफ चल रहा है? वो चल रहा है सर्कुलेशन, मैं सुग्रीव शो करता हूं, वो सर्कुलेशन चल रहा है कुछ इस तरह, यस, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये जो एक धारा बह रही है, इधर से उधर यूरिन जा रहा हो, इधर से इधर ब्लड का चल रहा है सप्लाई, तो ये काउंटर करंट है। अपोजिट में धाराएं चल रही है, एक तरफ यहां से यूरिन बनेगा और इस तरफ चल रहा है, और दूसरी तरफ उधर हमारी जो कैपिलरी नेटवर्क है, जो हमारे एफरेंट आर्टेरियोल का, वो ब्लड इस तरफ से इस तरफ जा रहा। तो दोनों के बीच कैसे बैलेंस बनाई जा रही चीजें, इसी को हमने बोला है काउंटर करंट सिस्टम। चलिए आगे समझते हैं काउंटर करंट सिस्टम के बारे में। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा की तरफ भी चल रहा है, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप मान लेंगे हमारा लूप ऑफ हेनले है, नेफ्रॉन है, दूसरी तरफ हमने देखा है ब्लड वेसल हमारी, ये वासा रेक्टा है। तो देखिए इस तरफ क्या चल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ हमारा फिल्ट्रेट भाग रहा है, क्योंकि फिल्ट्रेट हमारा कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा हमारा फिल्ट्रेट। चलिए अब अगर आप इस तरफ देखें तो इस तरफ क्या घटना घट रही है, हमारा ब्लड का फ्लो चल रहा है, इस तरफ चल रहा है, दो अलग अलग वेसल्स में हमारा कोई लिक्विड बह रहा है, इसी को ही हमने नाम दिया है काउंटर करंट सिस्टम। तो द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप एंड द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा आर इन अपोजिट डायरेक्शन। In example, in a counter current pattern, this is called counter current mechanism. इसे counter current mechanism नाम दिया जाता है। इस चीज को पहले definition आपकी हो गई है, अच्छे से note कर लीजिएगा। क्या बोल रहा है? फिर से समझ लीजिए। The flow of filtrate in two limbs of loop of Henle and the flow of blood through the two limbs of vasa recta are in opposite direction. इसी को हमने counter current mechanism बोला। चलिए। Due to the counter current,
एंड प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा ऑस्मोलरिटी इंक्रीजेस फ्रॉम कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या था? कॉर्टेक्स अगर आप जानते हैं ये अपर रीजन कॉर्टेक्स है हमारा, ये है हमारा कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स हो गया और ये मेडुला है, मेडुला में ये आउटर मेडुला, मेडुला में आउटर मेडुला है एंड ये क्या है हमारा इनर मेडुला, आउटर मेडुला एंड इनर मेडुला। अब कह रहा है ड्यू टू द काउंटर करंट एंड प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा ऑस्मोलरिटी इंक्रीजेस फ्रॉम कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होती है कितनी, 300 मिली ऑस्मोलरिटी टू द इनर मेडुलरी इंटरस्टीशियल। इनर मेडुलरी में 1200 ऑस्मोलरिटी है जबकि ऊपर हमारा कॉर्टेक्स में क्या है 300 ऑस्मोलरिटी है। अब देखिए दिस ग्रेडियंट इज कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। NaCl और यूरिया के कारण ये ग्रेडियंट बन पाता है क्योंकि NaCl मिल गया, मिनरल मिल गया तो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड कर देता है इसलिए उसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है, 1200 पहुंच जाती है। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिंब ऑफ, असेंडिंग लिंब मतलब ये वाला लिंब, ये जो देख रहे हैं असेंडिंग लिंब, देखिए ये वासा रेक्टा वाला साइज आपको दिखाया जा रहा है, ये वासा रेक्टा है, ये आपका वासा रेक्टा हो गया और ये आपका नेफ्रॉन है। NaCl is transported by ascending limb of Henle's loop that is exchanged with the descending limb of vasa recta. अब जो NaCl transport हो रहा था हमारा चल रहा है NaCl, अब ये देखते हैं NaCl ये हमारा चल रहा है ऊपर। कह रहा NaCl is transported by ascending limb है of Henle's loop that is exchanged with descending limb of vasa recta. अब ये vasa recta में descending limb है, यानी यहाँ से NaCl निकलेगा, नेफ्रॉन से NaCl निकला, किस जगह से निकला, असेंडिंग लिम्ब से निकला, तो नेफ्रॉन के असेंडिंग लिम्ब से NaCl निकला और इधर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये ट्रांसपोर्टेशन इनके बीच चल गया। यहां से NaCl निकल रहा है, एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, वासा रेक्टा, तो इंटरस्टीशियल टिश्यू में चीजें कंसंट्रेटेड नहीं हो पाती, नहीं तो चीजें यहीं पे कंसंट्रेट हो जाएगा, NaCl मिल जाएगा सोचिए तो यहां पर ये जो इंटरस्टीशियल टिश्यू है इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो सिंपल सी बात है सारी ऑस्मोलरिटी का डिस्टरबेंस रह जाएगा। क्लियर? तो पहला पॉइंट तो आपने समझ लिया यहां से कि NaCl असेंडिंग लिम्ब से ट्रांसपोर्टेड हुआ और उसको एब्जॉर्ब किया वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब, ये वासा रेक्टा है कौन कहां से आ रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है ब्लड आपका, ये देखिए ऐसे ये नीचे जा रहा है, तो ये हो गया डिसेंडिंग लिंब और ये इसका क्या है असेंडिंग लिंब, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप सोचिए एक सर ये असेंडिंग लिंब क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता क्योंकि ब्लड हमारा डिफरेंट आर्टेरियल आ रहा है तो ब्लड इसमें नीचे की तरफ ऐसे बहता हुआ जा रहा है और फिर ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, तो अब जब ऐसा जा रहा है तो ये डिसेंडिंग लिंब हो गया और ये आपका असेंडिंग लिंब हो गया, जबकि हमारा जो नेफ्रॉन में यूरिन का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है यानी जो हमारा फिल्ट्रेट था वो यहां से चल रहा है ऐसे, यहां से आ रहा और ऊपर बढ़ रहा है, तो ये असेंडिंग हो गया और ये डिसेंडिंग हो गया, इसको समझ जाइए बस इसी में सारा सीन है। तो NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिंब ऑफ हेनलेज लूप दैट इज एक्सचेंज विद डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा, NaCl इज रिटर्न इंटरस्टीशियल बाय असेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा, NaCl रिटर्न कर दिया जाता है इंटरस्टीशियल में बाय असेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा। देखिए डिसेंडिंग ने ले लिया फिर असेंडिंग ने फिर वापस कर दिया, फिर वापस कर दिया NaCl को, यानी हमारा नेफ्रॉन के असेंडिंग लिंब से NaCl ट्रांसपोर्ट किया गया, वासा रेक्टा ने उसे डिसेंडिंग लिंब से अपना ले लिया और उसने फिर से असेंडिंग लिंब से उसे बाहर निकाल दिया, यानी जो NaCl ली जा रही है वो बाहर निकाल दी जा रही है। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब कह रहा है स्मॉल अमाउंट यूरिया एंटर, अब स्मॉल अमाउंट में यूरिया एंटर कर रही है, कहां एंटर कर रही है, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिंब, असेंडिंग लिंब कौन सा आपका, ये असेंडिंग लिंब है, यहां से यूरिया बहुत ही कम क्वांटिटी में एंटर कर रही है, यहां से यूरिया एंटर कर रही है असेंडिंग लिंब में व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टीशियम बाय कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। अब यहाँ से नहीं आ लेकिन ये कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स हमारी से वापस कर देती है इंटरस्टीशियल में, देखिए ये यूरिया वापस कर देती है। ये क्यों किया जा रहा है कि टोनिसिटी मेंटेन रहे, अगर सॉल्यूशन की टोनिसिटी मेंटेन नहीं रहेगी तो मॉलिक्यूल का डिस्टर्बेंस हो जाएगा, वो किस तरफ जाए किस तरफ ना जाए एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहे
इस मेंटेनेंस के लिए यूरिया यहाँ से वहां निकला, वहां से वहां जा रहा है, एनएससीएल यहाँ से वहां जा रहा है, यानी दो लोगों पे खेल चल रहा है, एनएससीएल पे यूरिया पे। यही कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अब यूरिया इधर निकल गया, चलिए तो यहाँ पर इस पॉइंट से क्या निकला हमारा दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो हमारा एनएससीएल पे बेस्ड था, दूसरा पॉइंट हमारा बेस्ड हुआ किस पे, यूरिया पे। तो कह रहा है यूरिया स्मॉल अमाउंट में एंटर कर जाता है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग हिल इस जगह पे एंड ट्रांसपोर्ट बैक इनटू, अब ये जब बहता हुआ यूरिया जा रहा है कलेक्टिंग डक्ट्स को क्या करता है, वापस कर देता है। दस इलेक्ट्रोलाइट्स एंड यूरिया आर रिटेन्ड इन द इंटरस्टीशियल। इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स यानी एनएससीएल और यूरिया मेंटेन रहते हैं, रिटेन बने रहेंगे इंटरस्टीशियल में बने रहेंगे, इससे उसके एस्पिरेबिलिटी बनी रहे, मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट इंटरस्टीशियल ग्रेडिएंट, यानी जो हमारा टिश्यू यहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट रहे जिससे चीजें आराम से फ्लो चलती रहे, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता रहे, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता रहे। इट इनेबल्स इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब टू कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट। अब कह रहा है इट इनेबल्स इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्स टू कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट। यही कारण है कि जब यहाँ यूरिया होगा तो वाटर यहाँ पर आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा तो हायर से लोअर पर निकल जाएगा और आपके में बॉडी जो वाटर है उसका बैलेंस मेंटेन रहेगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका काउंटर करंट यूरिया और NaCl पे। अब दस डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट प्रोड्यूस यूरिन फोर टाइम्स कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म 300 ml osmolality to 1200। अब इस तरीके से कह रहा है कि जो DCT थे हमारा यानी कि distal convoluted tubule और जो हमारा collecting duct था, इन्होंने क्या किया, four time concentration किया, जो भी urine था पानी उसमें बहुत ज्यादा था उसको इन्होंने और concentrate किया, इससे पानी ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सके, बचा सके। तो इस तरीके से counter current mechanism ने हमें बताया कैसे ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहती है, कैसे कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट मेंटेन रहता है हमारे इंटरस्टीशियल टिश्यूज में। तो इंटरस्टीशियल टिश्यूज क्या थे, तो भैया नेफ्रॉन या बीजीटी जो टिश्यूज पाए जा रहे हो क्या आपके इंटरस्टीशियल टिश्यूज हैं। तो वहां का अगर बैलेंस बिगड़ गया, ऑस्मोलरेशन बिगड़ गया, तो चीजों का एक्सचेंजमेंट में दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं मिक्टुरेशन। देखिए मिक्टुरेशन क्या होता है, द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग मिक्टुरेशन इज कॉल्ड मिक्टुरेशन रिफ्लेक्सेस। तो पहले मिक्टुरेशन का मतलब ही होता है कि कॉमन टर्म दिया गया है, जैसे कि हम यूरिनेशन टर्म यूज करते हैं फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, ऐसे ही टर्म को बोला गया, साइंटिफिक टर्म दिया गया मिक्टुरेशन, यानी यूरिन को ही बाहर निकालने के प्रोसेस को मिक्टुरेशन बोला जाता है। लेकिन ये न्यूरल रिफ्लेक्सेस पे चलता है, इसलिए इस रिफ्लेक्स को मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स नाम दिया जाता है। क्योंकि देखिए हमारे यूरिनरी जो ब्लैडर है ना, इस यूरिनरी ब्लैडर में न्यूरॉन्स होते हैं, घनाचार है, और उनका कनेक्शन हमारे ब्रेन से है। आप देखिए कैसे लगे हैं सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, और जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, उन रिसेप्टर्स की हेल्प से ब्रेन को सिग्नल मिलता है। क्या स्टेप्स है, देखिए इट इज द रिलीज ऑफ यूरिन जिसे हम मिक्टुरेशन कहते हैं। स्टेप क्या क्या है, gradual filling of urinary bladder, stretching of urinary bladder, पहले urinary bladder fill हो रहा है urine से, ureter के through urine आ रहा है। second में क्या होगा, stretching of urinary bladder, stretch करेगा, ये walls पे जब pressure बढ़ा, अगर pressure बढ़ेगा, stretching receptors on its wall send impulses to CNS, जैसा कि मैंने बोला कि urine में आपके membrane पे यहाँ पर receptors पाए जाते हैं, है ना, जैसे आपकी skin एक receptor है टच को फील करती है, ऐसे यूरिन के लिए जहाँ से यूरिन भरने लगा तो वो रिसेप्टर्स पे प्रेशर मारता है और मैसेज को कहाँ भेज दिया गया, CNS के पास भेज दिया गया, मैसेज जाओ मैसेज तुरंत निकलेगा CNS के पास, ये देखा जा रहा है ये ब्लू से CNS से इंपल्स जा रहा है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। CNS पासेस ऑन मोटर पैसेज, अब CNS क्या करता है, इसको मोटर पैसेज में मैसेज भेजता है, क्या भेजेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्शन यानी स्मूथ मसल जो हमारे लगे, स्मूथ मसल का मतलब ये है कि आप उसको अपने विल पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, स्मूथ मसल्स हैं, इनवॉलंटरी मसल्स हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर इज एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रा स्फिंक्टर, जैसे ही वही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो जो हमारा यहाँ पर यूरेथ्रा पे हमारे स्फिंक्टर लगे हुए हैं बंद करने के लिए, वो स्फिंक्टर का रिलैक्स फॉर्म में आता है, जैसे रिलैक्स होता है मिक्टुरेशन हो जाती है। ठीक
ठीक है, तो देख लीजिए डायग्रामेटिक अगर भी देख लें तो मैं तो डायग्रामेटिक दिखा दूं आपको। ये देखिए आपका यूरिनरी बेड था, यहाँ पर रिसेप्टर लगे, जैसे ही आपका यूरिन फिल होने लगा आपके अब्लेडर पे स्ट्रेच पड़ा, स्ट्रेच को तुरंत मैसेज बना करके भेजा गया सीएलएस के पास, सीएलएस के तुरंत इसे मोटर न्यूरॉन को तो मैसेज भेजा, मैसेज क्या भेजा कि वहां की जो स्मूथ मसल्स उसमें कॉन्ट्रैक्शन पाया है। इस स्मूथ मसल्स में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है तो हमारे जो स्फिंक्टर लगे होते हैं, दो स्फिंक्टर हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, ये एक स्फिंक्टर क्या करते हैं रिलैक्स करते हैं, और जैसे स्फिंक्टर रिलैक्स हो गया, रिलैक्स हुआ तो क्या हो गया पोर ओपन हो गया और मैक्यूलेशन हो गया। तो ये तो था स्टेप हमारा मैक्यूलेशन। चलिए कुछ और अच्छे से नॉलेज लेते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस 1.5 लीटर ऑफ यूरिन, 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है, मतलब 25 से 30 ग्राम यूरिया जब आप 1.5 लीटर यूरिन करते हैं पर डे का ये इशू है। यूरिन इज लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड, ठीक है, लाइट येलो कलर होता है। सबसे पहले बाद सवाल पे आएगा सर लाइट येलो कलर क्यों होता है, तो लाइट येलो कलर का कारण इसका क्या है, यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट होता है, यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट होता है। ये यूरोक्रोम नाम का जो पिगमेंट है इस पिगमेंट के कारण हमारा जो यूरिन है उसका कलर लाइट येलो होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच 6 होता है, यानी एसिडिक होता है एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर, और एक ओडर होती है, इसमें स्मेल होती है। अब देखिए यहां दिखाया जा रहा है आपको सिस्टम कि अगर आप यूरिन ले लिया जाए मन तो बहुत सारी चीजें हैं, यूरिक एसिड मिलेगा उसमें, बाइकार्बोनेट्स आयंस है, क्रिएटिनिन मसल से निकला हुआ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, यूरिया है, क्लियर। देखिए सब का कलर बैलेंस दिखा रहा है, यूरिक एसिड डार्क ग्रीन दिख रहा है आपको, बाइकार्बोनेट से कलर दिख रहे हैं, क्रिएटिनिन ऐसे दिखाई पड़ेगा, पोटेशियम आयन ये दिख रहे हैं, और यूरिया सबसे ज्यादा क्वांटिटी में थी तो यूरिया देखिए ऐसे दिखाई पड़ रहा है। तो एवरेज यूरिन वॉल्यूम पर डे फॉर एडल्ट 1.5 लीटर। ओके, अब बात आती है कि हम कैसे पता करें, कभी कभी क्या होता है कि आप में बीमारी हो जाती है कि आपके यूरिन में ग्लूकोज कंसंट्रेशन, डायबिटिक पेशेंट के लिए उसमें ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो देखिए वेरियस कंडीशन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन, कौन कौन सी कंडीशन है। यूरिन एनालिसिस हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड मैल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। तो यूरिन एनालिसिस के थ्रू जैसे भी कोई होता है किसी किडनी फेलियर है किसी कुछ है तो इसके लिए आपके यूरिन का टेस्ट किया जाएगा और उस यूरिन टेस्ट से पता लगाया जाएगा कि आपकी भाई दिक्कत क्या है आपको। एग्जांपल ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज अमाउंट ज्यादा मिलता है तो आपको एक डिसीज है वो है ग्लाइकोसूरिया। एंड कीटोन्यूरिया, कीटोन बॉडीज होती है इन यूरिन इंडिकेट्स डायबिटीज मेलिटस, होता क्या है कीटोन बॉडीज कहां से आ जाती है, देखिए जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की गड़बड़ी के कारण ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट किया गया, ग्लूकोज बढ़ रहा है आपके ब्लड वेसल्स में। एक दूसरा काम यह भी करता है ग्लूकोज, इंसुलिन हमारे ब्लड वेसल्स को परमिएबल बनाता है, यानी अगर ये ब्लड वेसल है, मान लीजिए ब्लड वेसल है और इस ब्लड में हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, नॉर्मल कंडीशन पे इस ग्लूकोज को परमिएबल बनाने के लिए इंसुलिन चाहिए, ब्लड वेसल से टिश्यू में जाने के लिए इंसुलिन चाहिए हमको। अब ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स है वो परमिएबल नहीं है, क्यों परमिएबल नहीं, क्योंकि इंसुलिन नहीं है, तो जब इंसुलिन नहीं होगा तो परमिएबिलिटी खत्म हो जाएगी, यानी ब्लड में ग्लूकोज है भी और वो टिश्यू तक जा भी नहीं पा रही है। ऐसी कंडीशन पे आपकी बॉडी को तो एनर्जी बनानी पड़ेगी, तो क्या करता है आपकी बॉडी में जो फैट है उससे एनर्जी बनाई जाती है, फैट से एनर्जी बनाई जाती है, लेकिन जब फैट से एनर्जी बनती है तो एक हार्मफुल कीटोन बॉडीज बन जाती है, हार्मफुल कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। तो जब आपके यूरिन में कीटोन बॉडीज मिल जाएंगी तो समझ जाए कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज एनर्जी नहीं बनाई जा रही है, आपकी बॉडी में फैट से एनर्जी बनाई जा रही है। इससे आइडिया लग जाएगा आपको क्योंकि फैट से अगर यूज कर रहा है तो भाई ग्लूकोज का यूज कर रहा है, का तो ग्लूकोज खा रहा है कार्बोहाइड्रेट खा रहा है लेकिन उसका यूज ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि उसमें इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा तो बीमारी कौन सी है, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। तो ग्लूकोज जब आपके यूरिन में बहुत ज्यादा मिलने लगेगा तो इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, और जब कीटोन बॉडीज मिलने लगी है दोनों चीजें मिल रही है तो आपका हो गया डिसीज डायबिटीज मेलिटस। ओके समझ गए, तो ऐसे एनालिसिस करते हैं। अब देखिए
ब्लू कलर यूरिन अगर शो कर रहे हैं, इसको टेस्ट जो बोलते हैं, हमारा बेनेडिक्ट्स टेस्ट होता है फॉर ग्लूकोज के लिए। तो बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या किया, देखिए अगर ब्लू दिख रहा है आपका यूरिन तो कोई ग्लूकोज नहीं है, ग्रीन दिख रहा है तो ट्रेसेस ऑफ ग्लूकोज, ऑरेंज है तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, और अगर ब्रिक रेड हो गया तो लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है। तो अगर यूरिन, अब आप समझेंगे, जब भी बेनेडिक्ट टेस्ट होता है तो यूरिन में केमिकल्स मिलाए जाते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मिलाया जाता है, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाला गया तो अगर वो नॉर्मल दिख रहा है ब्लू तो भैया कोई बात नहीं, एंजॉय करें, आप पेशेंट नहीं है। ग्रीन मिल रहा है तो कुछ मॉलिक्यूल आ रहे हैं लेकिन कोई खतरे वाली बात नहीं, ऑरेंज आया तो मॉडरेट अमाउंट है, और रेड हो गया तो समझ लो खतरे की निशान हो गई, इसका मतलब लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज पाया जा रहा है। आगे चलते हैं, अब क्या रोल है हमारे लंग्स, लीवर एंड स्किन का इन एक्सक्रीशन, क्या रोल है? देखिए तो आप लंग्स को अच्छे समझो, तो लंग्स हमारा गैसियस चीजों को रिमूव करता है, रिमूव्स CO2 200 ml पर मिनट एंड वाटर। लंग्स के थ्रू जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, जब आप एक्सहेलेशन करते हैं तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी निकलता है, मॉइस्चर भी निकलता है। तो रिमूव CO2 एंड वाटर हमारा लंग्स की जगह पे काम करता है। लीवर क्या काम करेगा, सेक्रेट्स बाइल कंटेनिंग बिलिरुबिन, बिलिरुबिन कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिंस एंड ड्रग्स। तो देखिए कितने काम कर रहा है हमारा लीवर, तो लीवर जो सेक्रेट करता है बाइल, उसमें पाया जाएगा बिलिरुबिन, बिलिरुबिन ये आ कहां से रहे? जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो ये पिगमेंट बनते हैं बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल निकलेगा, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स है, ये सारी चीजें क्या होंगी, लीवर हमारा डिटॉक्सिफाई करता है। मोस्ट ऑफ देम पास आउट अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्ट, ज्यादातर पार्ट ये डाइजेस्टिव वेस्ट में आता है, क्योंकि ये बाइल जूस गिरा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहीं से क्या हुआ, इसलिए फेसेस जो आप देखेंगे फेसेस भी येलो या ब्राउन कलर का होता है, वो इन्हीं पिगमेंट से कांट ऐसा कलर होता है। चलिए आगे चलते हैं, अब आती है बात कि हमारी स्किन भी कुछ काम करती है बेचारी, तो एक्सक्रेटर देखिए कौन कौन से पार्ट निकल रहे हैं, एक लंग्स ने काम किया, दूसरा लीवर भी काम कर रहा है एक्सक्रेशन में, किडनी तो कर ही रहा है, तीसरा स्किन भाई साहब भी आ गया, आगे क्या बता रहा है स्किन, स्किन स्वेट कंटेन्स वाटर, NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी आपका स्किन से निकलता है, जिसकी कारण पसीने की बदबू आती है, लेकिन बहुत थोड़े अमाउंट में। स्वेट कंटेन्स वाटर, NaCl, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू गिव अ कूलिंग इफेक्ट, अगर फंक्शन की बात करें तो देखिए मेन फंक्शन स्किन से स्वेट का निकलना ये नहीं है कि वो आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालना है, उसके लिए आपकी किडनी है, उसके लिए आपके लीवर भाई साहब है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन जो है तो आपके स्किन को कूलिंग करता है, बॉडी कूलिंग करता है, इसलिए जब आप गर्मियों में होते हैं तो आपके स्वेट ग्लैंड से, जब आप बहुत गर्मी में होते हैं तो पसीना निकलता है, क्योंकि पसीना निकलने से स्किन आपकी मॉइस्ट हो जाती है, जैसे ही कोई एयर चलती है तो आपको ठंडक महसूस होती है, तो उसके प्राइमरी जो फंक्शन है स्किन का, आई मीन स्वेट का, वो फंक्शन है आपकी बॉडी को कूलिंग देना। सेबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट स्टेरॉल्स, सेबेसियस ग्लैंड मॉडिफाइड ग्लैंड्स होती हैं, सेबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट करती है स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस टू द सीमम, इनके थ्रू आपके सेबेसियस ग्लैंड के थ्रू स्टेरॉल्स एंड ये सारी चीजें क्या होती है, ऐसे आप कान देखेंगे तो आपके ईयर जो कैनाल है, जो ईयर ड्रम है, उस ईयर ड्रम के बीच में वैक्सेस निकलते हैं, वो वैक्सेस भी एक तरीके क्या है, एक तरीके एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है जो बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है। सीबम प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन, सीबम जो कि सेबेसियस ग्लैंड से निकल रहा है, स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड वर्जन है, ये आपके स्किन पे क्या देता है, ऑयली कवरिंग देता है, ड्राई ना हो, लेकिन सर्दियों में ये भी बेचारे बंद हो जाते हैं, दैट इज व्हाई ऑयली नहीं हो पाती है, फिर हमें क्रीम लगाकर काम चलाना पड़ता है कि नहीं। नेक्स्ट सलाइवा, सलाइवा एलिमिनेट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, स्मॉल अमाउंट में हमारी सलाइवा भी नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करती है। तो शुरुआत से आखिर तक की बात करें तो हमने आज इस लेक्चर में जिस पार्ट को फिनिश किया, पहला पार्ट था काउंटर करंट मैकेनिज्म, सेकेंड हमने मिक्टुरेशन के बारे में जाना, एंड थर्ड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन से निकलने वाले एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट को जाना, जहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी काउंटर करंट मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ब्लड वेसल्स पे काम चल रहा है, नेफ्रॉन पे काम चल रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग लिंब के बीच था,
मेन जो काउंटर करंट किया जाता है वो काउंटर करंट किया जा रहा है नेफ्रॉन के लूप ऑफ हिलने वाले पार्ट से एंड इधर वासा रेक्टा के लूप से। तो केमिकल सब्सटेंस का बड़ा रोल था हमारे किडनी के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन का, वो था NaCl और यूरिया। NaCl को कहीं हमारा नेफ्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है डिसेंडिंग असेंडिंग लिंब, तो वो डिसेंडिंग लिंब के थ्रू वासा रेक्टा ले रही है। इस ऑस्मोरेगुलेशन को बनाए रखने के लिए हमारे नेफ्रॉन्स और वासा रेक्टा दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसलिए इसको बोल दिया काउंटर करंट मैकेनिज्म। ज्यादा कुछ है नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है किस जगह पे कौन से मॉलिक को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, कौन वासा रेक्टा एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन इंटरस्टिशियल सेल में फेंक रहा है, इतना ध्यान रखना है। दूसरे बात हमने बात करी किस बात पे कि भाई आपका जो मैट्यूरेशन था कि जैसे जैसे आपके यूरिन बनता जा रहा है भाई कैसे आपको याद आती है कि हाँ भाई जाना है मुझे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो यूरिनरी ब्लैडर मतलब यूरिन फिल हो रहा है, अब जैसे जैसे यूरिन फिल होता है तो वॉल पे लगे क्या रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर पे प्रेशर पड़ता है, जैसे रिसेप्टर प्रेशर पड़ा रिसेप्टर ने क्या किया सिग्नल भेजा तुरंत सीएनएस के पास, सीएनएस के पास मैसेज पहुंचा भाई मैटर है टंकी फिल हो रही है, उधर से मैसेज आया मोटर न्यूरॉन से कि भाई जो यूरिनरी ब्लैडर है इनकी जो स्मूथ मसल्स है वो थोड़ा सा क्या हो जाए कॉन्ट्रैक्शन पैदा करें, तो जब वो कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है तो जो स्फिंक्टर लगे हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, उल्टा काम वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो रिलैक्स क्या होता है वो हमारे स्फिंक्टर रिलैक्स, और जैसे स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाती है मैट्यूरेशन। ओके, तो इस तरीके से हमारे चैप्टर का अंत हुआ। बाकी आपके स्किन स्किन सलाइवा लाइवा भी बड़ा काम कर रही थी, हमारी जो इधर की ग्लैंड्स वो भी काम कर रही थी, इस तरीके से सबने मिलकर हमारे इस काम को अंजाम दिया। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जैसा कि पता है कि हमारा एकेडमी फॉलोअर्स फॉर फुल सिलेबस ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज है, कोई कॉस्ट नहीं है, और आपको एग्जाम फिनिश होने के बाद हम प्रैक्टिस भी कराएंगे क्वेश्चन आंसर्स की। तो हमारे लेक्चर्स को पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, तो मैं मुलाकात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।